Next question. Following are the details of cash flows and outflows in the currency denominated of MNP company in Indian export form, which have no foreign subsidiaries. तो यहाँ पे दे रखा है डेट से एक इंडियन कंपनी है, उनका फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों है और उनका कोई भी फॉरेन सब्सिडरीज नहीं है. क्वेश्चन में दे रखा है डेट से इनफ्लो कितना है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच फ्रैंक, इन टर्म्स ऑफ पाउंड, इन टर्म्स ऑफ येन, और आउटफ्लो कितना है वो भी दे रखा है. स्पॉट रेट दे रखा है, फॉरवर्ड रेट दे रखा है फॉर डॉलर, फ्रेंच फ्रैंक एंड येन, ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा है. डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और फिर हमको सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है. सेकेंड क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझते हैं. फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं that say the amount that say we are going to receive is $40 million we are going to receive and $20 million that we are going to pay. And net हमको क्या मिलने वाला है, $20 million. तो वो net हो गया foreign currency में. We understand that say the forward में, listen carefully, forward में जो डॉलर करेंसी है वो appreciate हो रहा है, कितने से, 81 पैसे से. So what will happen, 81 पैसे per dollar into 20 million, यानी क्या होगा, 16.2 million का हमको फायदा हो रहा है. That is what we understand. French franc में हमको 20 million मिलने वाला है, 8 million का payment है, तो नेट हमको मिलने वाला है 12 मिलियन. और ये जो फ्रेंच फ्रैंक करेंसी है दैट इज अगेन एप्रिशिएटिंग, वो कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 67 पैसे से एप्रिशिएट हो रहा है. और हमको क्या मिलने वाला है, 12 मिलियन मिलने वाले हैं. तो हमको फायदा कितना होगा फ्रेंड्स, 8.04 मिलियन का फायदा होगा. नेट एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे अ काइंड ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, जैसा हम लोग समझ सकते हैं. उसके बाद 30 मिलियन माइनस 20 मिलियन, सो हमको पाउंड में 10 मिलियन मिलने वाला है. पाउंड करेंसी इज अगेन एप्रिशिएटिंग, वी आर वेरी लक्की दैट से जो जो करेंसीज में हमको कंसिडरेशन मिलने वाला है वो करेंसीज एप्रिशिएट हो रहा है, कितने से, 41 पैसे से, इनटू 10 मिलियन, यानी क्या होगा, 4.1 मिलियन का फायदा हुआ. जापानीज येन में हमको पे करने का है, अच्छा 15 माइनस 25, यानी हमको क्या पे करने का है, हमको 10 मिलियन येन पे करने का है. वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, स्पॉट रेट हमको दे रखा है से 3.20, सो 3.20 रुपीस पर येन, और बाद में दे रखा है हमको से 2.40 रुपीस पर येन. अच्छा, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट से एज़ फार एज़ द जापानीज येन इज कंसर्न, उसमें हमको पे करने का है. सो पहले क्या होता था कि एक येन खरीदने के लिए हमको 3 रुपी 20 पैसे पे करने पड़ते थे. वी आर अगेन लकी कि सेम येन खरीदने के लिए हमको कम रुपीज पे करने पड़ेंगे, यानी क्या होगा, दैट से द रुपी करेंसी वहां पे अप्रिशिएट हुआ जिस पे हमारा पेएबल था. चलो हम लोग और खुश हो गए. वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर से 3.2 माइनस 2.4, यानी क्या हुआ, दैट से इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बाय 0.80 इनटू 10 मिलियन का पेमेंट, यानी क्या हुआ, 8 मिलियन का हमको वापस फायदा हुआ. सो डिटरमाइन द नेट एक्सपोजर, नेट एक्सपोजर का मतलब है काइंड ऑफ लाइक द नेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द लाइक द रिसीव्ड एंड पेमेंट का डिफरेंस ऑफ ईच फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी टर्म है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, यानी क्या किया जाएगा, जो डिफरेंस है ना से उसको हमें, ये जो डिफरेंस है ना उसको हमें डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द आंसर.
तो यू कैन सी दैट से द वर्किंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड लाइक दिस. नेट एक्सपोजर ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीस, जो हमको मिलने वाला है, जो हम लोग पे करने वाले हैं, ऑल दीज वैल्यूज आर इन मिलियन टर्म. सो हमको नेट एक्सपोजर होगा, सो दैट इज अगेन इन द मिलियन टर्म. उसको क्या किया जाएगा, स्प्रेड से मल्टीप्लाई किया जाएगा. स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड स्पॉट इन दिस एग्जांपल. यानी क्या हो रहा है, लेट्स से द डॉलर करेंसी में जो हमको मिलने वाला है वो 81 पैसे से अप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए हमको 16.2 मिलियन का फायदा हो रहा है. फ्रेंच फ्रैंक में हमको मिलने वाला है वो 67 पैसे से अप्रिशिएट हो रहा है, सो अगेन उसमें 8.04 मिलियन का फायदा हो रहा है. पाउंड करेंसी में हमको 10 मिलियन मिलने वाला है और वो 41 पैसे से अप्रिशिएट हो रहा है, तो 4.1 मिलियन का वापस फायदा हुआ. जापानीज येन उस पे हमको पे करने का है और रूपी करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, और वी कैन से दैट द जापानीज करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है और हमको इतना फायदा हो रहा है. सेकेंड क्वेश्चन हमको ये पूछा है, आर एनी ऑफ द एक्सपोजर पोजिशंस ऑफसेटिंग टू सम एक्सटेंट, दैट इज अ क्वेश्चन. सो वी अंडरस्टैंड दैट से कोई भी एक्सपोजर सेट ऑफ हो रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट से इन केस ऑफ जापानीज येन यस, द एक्सपोजर ऑफ द जापानीज येन पोजिशन इज बींग ऑफसेट बाय द फॉरवर्ड रेट, दैट इज बाय व्हाट बेटर फॉरवर्ड रेट. एनी सिर्फ जापानीज करेंसी में हमको पे करने का था और उसी केस में रूपी करेंसी अप्रिशिएट हो रहा है, that is the reason say we get advantage.